नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,10,00,000 रुपए की एमडीएमए ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपी द्वारा मंदसौर से राजस्थान, मुंबई और चेन्नई, तमिलनाडु में दलालों के माध्यम से अब तक 2 से 5 किलो एमडीएमए ड्रग्स को बेच चुका है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में इंदौर पुलिस द्वारा 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स पकड़ी थी, जिसमें अभी तक 33 आरोपियों को इंदौर पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंदसौर का ड्रग तस्कर, जो कि इंदौर के सावे रोड बाईपास के पास छत्रपति शिवाजी चौराहे पर एमडीएमए ड्रग की डिलीवरी देने आने वाला है, जिस पर पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए 1 किलो 100 ग्राम एमडीएमए के साथ एक आरोपी अयूब उर्फ कल्लू शाह को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए एमडीएमए ड्रग की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1,10,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़ा गया आरोपी अयूब उर्फ कल्लू शाह मंदसौर, राजस्थान, मुंबई और चेन्नई, तमिलनाडु में दलालों के माध्यम से एमडीएमए ड्रग्स सप्लाई करता था। वहीं पूर्व में पकड़े गए आरोपियों से जब क्राइम ब्रांच ने पूछताछ में अयूब का नाम सामने आया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अयूब को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं पकड़ा गया आरोपी अयूब से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला है कि आरोपी अयूब द्वारा अब तक करोड़ों रुपए की कीमत के एमडीएमए ड्रग मुंबई और अन्य शहरों में खपा चुका है। ये ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें आरोपी अयूब से 1 किलो 100 ग्राम एमडी ड्रग जब्त करने में सफलता मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1,10,00,000 रुपए है। आरोपी ड्रग के साथ में बेचने की फिराक में था, जिसको सांवेर बाईपास से सुनसान जगह से पकड़ा गया। मुखबिर से इसमें लीड मिली थी। आरोपी पूर्व के अपराध में जो अरेस्टेड आरोपी हैं उनसे कनेक्टेड रहा है, इसके बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रही थी। काफ़ी दिन से इसकी तलाश थी, इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी और कल ये जो है गिरफ्तार किया गया। आरोपी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इससे अभी पूछताछ जारी है, जो भी इसकी डाउन लिंक मिलेगी उसके बारे में जानकारी लेकर फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। 70 kg एमडी सीज हुई थी, जिसमें करीब 33 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। उन मामलों के आरोपियों से जब पूछताछ की गई थी, उनका पूरा नेटवर्क की जानकारी लेकर जो है नेटवर्क चार्ट बनाया गया था, उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल था। पूर्व के मेन आरोपियों से ये कनेक्टेड है, जिसमें रईस हैं, दिनेश हैं, वेद व्यास हैं, सबसे बातचीत करता था, मेल जुल था इसका और उस बेल्ट के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी था। इसके अलावा भी और अन्य आरोपी भी हैं जी। अभी ये मैटर पूरा इन्वेस्टिगेशन में है और आरोपी इसको भी अभी गिरफ्तार किया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे समय पे आपको बताए जाएंगे। जो 5-6 जनवरी 2021 को मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 70 किलो एमडी रिकवर हुई थी, जब्त हुई थी, उसमें अभी तक 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये भी उससे संबंधित है। इसमें एक सीजर हुआ है, इसका दूसरा मामला पंजीबद्ध किया गया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।